दोस्तों, एक गांव में दो दोस्त रामू और भोलू रहता था। रामू रोज काम पे जाया करता था और भोलू आलसी होने के कारण रोज नदी किनारे बैठा रहता था। एक दिन भोलू नदी किनारे बैठा था, तभी उसे उड़ने वाली मछली और एक सांप दिखाई देता है और वह उस उड़ने वाली मछली को पकड़ने का सोचता है और वह जैसे ही पकड़ने के लिए जाता है, वह सांप उसे काट लेता है। उसके बाद रामू भोलू को ढूंढते ढूंढते नदी किनारे चला जाता है और देखता है कि उसे सांप ने काट लिया है, तो वह सपेरा को बुला लाता है। सपेरा समझ जाता है कि इसे जादुई सांप ने काटा है और वह उसे पकड़ने का सोचता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी उसे नदी किनारे वह सांप और मछली मिल जाता है और वह सांप को कैद कर लेता है। अब आगे मछली ने सपेरे के साथ जो किया उसे देखने से पहले अगर आप इन पैसों से ज्यादा इंडियन आर्मी को मानते हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में इंडियन आर्मी जरूर लिखना। उसके बाद वो मछली सपेरा को मार देता है और उस सांप को आजाद कर लेता है।